नमस्ते। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। लाहौर के इस्लामपुरा में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ठोक दिया। अमीर सरफराज ने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की जेल में हत्या करने वाले अमीर सरफराज की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 मई 2013 को सरबजीत सिंह की मौत हो गई थी। उन पर 26 अप्रैल 2013 को पाकिस्तान की जेल में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनका देहांत हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने तेजी से इलाके की घेराबंदी कर ली है, साथ ही शूटरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। उस हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज भी शामिल था। बताया जाता है कि सरबजीत सिंह की हत्या पॉलीथीन से गला घोटकर और पीट पीट कर की गई थी। अमीर ने सरबजीत सिंह को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह माना गया कि आईएसआई के इशारे पर सरफराज ने इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि अप्रैल 2013 में अमीर तनबा और उसके साथी कैदी मुदासिर मुनीर पर कोट लखपत जेल के भीतर भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया था। 15 दिसंबर 2018 को लाहौर की एक जिला और सत्र अदालत ने सभी गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के कारण दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था। सरबजीत को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था। साल 1991 में लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों के बाद पंजाब के रहने वाले सरबजीत को आतंकवाद और जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत दी गई थी। हालांकि सजा से पहले अप्रैल 2013 में कुछ कैदियों ने सरबजीत पर हमला कर दिया था। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरन तारण जिले के भिकीविंड गांव के रहने वाले किसान थे। 30 अगस्त 1990 को वह अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। तब सरबजीत की उम्र सिर्फ 26 साल थी। सरबजीत की रिहाई को लेकर काफी लंबी जद्दोजहद भी चली थी, पर सरबजीत की रिहाई से पहले उन्हें मार डाला गया। सरबजीत को जेल से बाहर निकालने के लिए उनकी पत्नी सुखप्रीत कौर ने काफी कोशिशें की थी, लेकिन अप्रैल 2013 में लाहौर में कैदियों के झगड़े के बाद सरबजीत सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना में अमीर सरफराज भी शामिल था। इसी साल जून महीने में सरबजीत की बहन दलबीर कौर का भी निधन हो गया था। हालांकि उन्होंने भी अपने भाई को जेल से बाहर निकालने के लिए काफी संघर्ष किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2022 में सरबजीत सिंह की पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लाहौर जेल में सरबजीत सिंह के साथ रह चुके उनके एक पूर्व साथी कैदी ने दावा किया था कि सरबजीत की मौत पाकिस्तान सरकार ने कराई है। कुछ समय के बाद पाक ने खाना पूर्ति के लिए आरोपी अमीर तांबा और मुदस्सर को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों सरबजीत सिंह के साथ उसकी सेल में बंद थे और मई 2013 में उसकी मौत से पहले तक उस पर लगातार अत्याचार करते थे। लेकिन आज अमीर सरफराज का काम तमाम हो गया है और अज्ञात हमलावरों ने उसे उसके सही ठिकाने पर भेज दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।